मथुरा जनपद में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस बजाय मुकदमा दर्ज करने के जांच के नाम पर तहरीर लेकर रख लेती है। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला एसएसपी कार्यालय पर, जहां चोरी के कई मामले एसएसपी के सामने आए। मथुरा जनपद में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है, जिसके लिए मथुरा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से कई शिकायतें पुलिस अधिकारियों तक पहुंच रही हैं, लेकिन जिले के थाना क्षेत्रों में बैठे थाना अध्यक्ष किसी भी घटना पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। लिहाजा क्षेत्रों में देखो बदमाश घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिनसे परेशान होकर आज कई थाना क्षेत्रों के लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने साथ हो रही घटनाओं के संबंध में शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। ये ताजा मामला थाना हाईवे क्षेत्र का है, जहां बलराम सिटी में रहने वाले चतुर सिंह के मकान को रात्रि में चोरों ने अपना निशाना बनाया, लेकिन चतुर सिंह की अचानक से आंख खुलने के कारण उनके घर में एक बड़ी घटना होने से बच गई। वहीं थाना गोविंदनगर क्षेत्र में भाजपा के नेता के घर को भी चोरों ने अपना निशाना बनाया, जिसको लेकर पुलिस ने अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, बल्कि तहरीर लेकर रख ली। इसके संबंध में भाजपा की वरिष्ठ नेत्री मुन्नी शर्मा भी अपनी फरियाद लेकर एसएसपी के पास पहुंची और अपने साथ हुई घटना के संबंध में उन्हें अवगत कराया। हम ये शिकायत करने आए हैं कि आए दिन चोर हमारे घरों में धावा बोल रहे हैं, ज्यादातर आर्मी की लेडीज रहती हैं और हम कॉलोनी चार तक हैं, फिर भी आए दिन घटना हो रही है। 5 घरों के तारे टूट चुके हैं, अब तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ कोई 100 नंबर गाड़ी गश्ती नहीं आती कभी। आए दिन हो रही है इस घटना को लेकर क्या कहोगे फिर? हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से कि हमारी गश्त को बढ़ाएं और ऐसी घटना वारदात हमारे सामने बार बार नहीं आए। अब एसपी साहब को हमने तो विज्ञापन दे दिया है, अब जो भी ये करेंगे वो मंजूर है हमें। चोरी हुई थी कॉलोनी के 4-5 घरों में, उसी वक्त एक ही तरीके से जंगले तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया था, लेकिन लाइट जाने की वजह से लोग जग गए थे, तो उन घरों में तो जंगले तोड़ के वो भाग गए। लेकिन मेरा घर, क्योंकि मैं अभी दूसरे घर में शिफ्ट हुई हूँ, आधा सामान मेरा वहाँ पड़ा हुआ था, वो सारा सामान कीमती जो भी उन्हें वो लगा तो वो लेके चले गए। हमें बस यही है कि कोई बड़ी वारदात का इंतजार हो रहा है क्या? किसी दिन किसी में घर में परिवार में चोरी हुई थी करीब 1 लाख, कभी कोई बड़ी वारदात हो जाएगी तभी प्रशासन जगेगा। 5 दिन हो गए इतनी बड़ी वारदात हुए, द्वारा एक वारदात कल और एक कॉलोनी में हो गई, प्रशासन कब तक सोया रहेगा? हम लोग इसीलिए आ जाए इकट्ठे हैं कि हमारी बात को सुना जाए, गंभीरता से लिया जाए और इन समस्याओं से निजात दिलाए।